वेलकम टू सारांश एजुकेशन एकेडमी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसमें आपको एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए फर्स्ट बिट है साइन 18 बाई कॉस 72। तो फर्स्ट इसमें हमको क्या करना है, हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें हमको क्या करना है कि पहले साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72, और इसको रख लिए कॉस 72। फिर इसमें क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसमें डालेंगे कॉस 72। ये आ गया कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 बाई कॉस 72 इक्वल टू 1 इज द आंसर। नेक्स्ट बिट यहाँ पे दिया है टैन 26 बाई कॉट 64। कोई भी एक को हम यूज कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, सेकेंड को यूज करते हैं। तो टैन 26 डिग्री बाई कॉट 90 माइनस 26 डिग्री, तो हमको पता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो ये आ जाएगा टैन 26 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा टैन 26 डिग्री। टैन 26 टैन 26 कैंसिल, सो वन इज द आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 48 एंड साइन 42। तो कोई भी एक को लेकर कर सकते हैं। कॉस 48 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0 इज द आंसर। ये नेक्स्ट बिट है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो इसको फिर वैसे ही कोसेक को क्या कर सकते हैं, कोसेक को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59 बाय सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है, सेक थीटा। तो सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री, तो आंसर आ गया 0 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सो दैट करना, प्रूफ करना है टैन 48 इंटू टैन 23 इंटू टैन 42 इंटू टैन 67 इक्वल टू 1। तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला चीज़ हमको क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS ले लिए। तो LHS लेंगे तो क्या आएगा, टैन 48 इंटू टैन 23 इंटू टैन 42 इंटू टैन 67। तो इसमें क्या होगा, टैन 48 और टैन 42 बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू इच अदर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टैन 90 माइनस 42 इंटू टैन 90 माइनस 67, ये दोनों को वैसे ही रखेंगे, इंटू टैन 42 इंटू टैन 67 डिग्री। सो टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सो कॉट 42 डिग्री, टैन 90 माइनस 67, सो कॉट 67, ये हो गया टैन 42 इंटू टैन 67 डिग्री। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल ऑफ लिख सकते हैं टैन का, टैन 42 इंटू 1 बाई टैन 67
ये टैन 42 इंटू टैन 67, टैन 42 टैन 42 कैंसिल हो गया, टैन 67 टैन 67 कैंसिल हो गया, तो हियर आंसर इज 1। वही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट है, तो सेकंड बिट पूछ रहा है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो पहला चीज हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो पहला क्या करेंगे, ये जो कोई भी एक को ले लीजिए, पूरा इसको लिए लेते हैं या पूरा इसको लेना है, एक लेंगे दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई एक को लेना है दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, इसको करते हैं तो cos 90 माइनस 52 cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो फिर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन 52 साइन 38 साइन 38 इंटू साइन 52, तो ये सेम आ गया, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 इज द आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ टैन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, 2a एक एक्यूट एंगल है तो a का वैल्यू क्या होगा, हम उसको कैलकुलेट करना है। तो हमको दिया है टैन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। सो फिर क्या करेंगे, हम टैन पता है, हमको क्या पता है कि टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ओके, या हम बोलते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो ये टैन 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू टैन 2a। तो ये टैन 2a के प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिए कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ओके। तो फिर क्या करेंगे, कॉट कॉट बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं, तो हो गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ओके। तो 2a को उस तरफ ले लेते हैं, 2a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 18, 2a प्लस a 3a 108, a इक्वल टू 108 डिवाइड 3 इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ टैन a इक्वल टू कॉट b, ये गिवन है, तो प्रूफ करना है कि a प्लस b का सम इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमको क्या करना है कि लेंगे टैन a इक्वल टू कॉट b, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ टैन a कॉट b क्या हो सकता है, टैन 90 माइनस बी, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट बी के प्लेस में टैन 90 माइनस बी लिख दिया। तो फिर क्या करता हूँ, टैन टैन कैंसिल कर दिया, तो ए इक्वल टू 90 माइनस बी, सो ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री फ्रूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, तो गिवन जो है पहले उसको कंसीडर करेंगे, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू sec cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो इसको रिड्यूस कर लिया, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a
माइनस 20, तो कोसेक कोसेक बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, फिर 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो फिर इसको ले लिए राइट हैंड साइड में, a प्लस 4a, ये 90 प्लस 20, सो 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 110 बाई 5 इक्वल्स टू 22 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी ये एक ट्रायंगल का तीन एंगल है और साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू हमको प्रूफ करना है। तो इसमें हमको पहला चीज़ क्या करेंगे, हमको पता है कि एंगल, तीनों एंगल का समेशन कितना है, 180 डिग्री है, किसका, इन ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे कि B प्लस सी रखे, A को राइट हैंड साइड में लेते हैं 180 माइनस A, फिर बोथ हैंड साइड में 2 को डिवाइड करेंगे, B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2, डिवाइड कर दिए। फिर इसमें क्या करना है, साइन लेना है बोथ साइड का, साइन फंक्शन, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, साइन ऑफ 180 बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ, फिर ये a बाई 2 हो गया 180 माइनस a बाई 2, तो ये क्या होगा 180 बाई 2 90 माइनस a बाई 2, तो इसको ऐसे में रिड्यूस करके लिख दिया। तो फिर साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो कॉस a बाई 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में 0 टू 45 के अंदर में उसको कन्वर्ट करना है। तो इसको हम साइन 67 एंड कॉस 75, तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ये कितना होगा 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, ये है हमारा आंसर।